पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत होते ही प्रदूषण की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? नासा के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों की मदद से हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस पर एक शोध किया है। इसके मुताबिक दिल्ली के इस प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए जाने वाली पराली जिम्मेदार है। हर साल खेतों में लगने वाली इस आग को समझने के लिए हमें उत्तर भारत में की जाने वाली खेती को समझना होगा। यहाँ के किसान साल में दो फसलें उगाते हैं, रबी और खरीफ। दिवाली के आसपास मिलने वाली खरीफ की फसल में धान होता है। अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुआई के लिए सिर्फ 20 दिनों का समय होता है, इसलिए किसान पुआल को खेतों में ही जला देते हैं। फिर रबी की फसल में गेहूं लगाते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक खेतों में आग क्यों नहीं लगाई जाती थी? पहले किसान अपने हाथों से कटाई करते थे, इसलिए धान को काफी नीचे से काट सकते थे। लेकिन अब मशीन से कटाई की जाती है, जो फसल को काफी ऊपर से काटती है। इस वजह से खेत में काफी पराली बची रह जाती है। किसानों का कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी अगली फसल खराब हो जाएगी। अगर उनके पास कोई विकल्प हो तो वे ऐसा करना नहीं चाहेंगे। राज्य सरकारें भी ऐसे विकल्पों को ढूंढ रही हैं जो किसानों की मुश्किलों को बढ़ाए बिना अपना काम करें। इस तरह की फसलों पर शोध चल रहा है जो कम समय में हो जाए। पुआल से निपटने के बेहतर तरीकों को भी ढूंढा जा रहा है। ऐसा ही एक उपाय है हैप्पी सीडर। ट्रैक्टर में लगाए जाने वाला ये उपकरण पराली को काटता है, उठाता है और गेहूं की बुआई भी करता है। ये गीली पुआल को खेतों में भी बिखरा देता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। इस मशीन को किसानों की पहुंच में लाने के लिए पंजाब सरकार ने इस पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकारी संस्थाओं को 80% और किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। 2018 के आम बजट में भी हैप्पी सीडर के लिए एक विशेष सब्सिडी का प्रस्ताव था। किसानों की मदद करने के साथ साथ खेतों को जलाने की समस्या की जड़ में जाने से ही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जहरीले वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। हैप्पी सीडर सहयोग करने के इच्छुक लोगों और संस्थाओं की खोज में है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इसे और लोगों तक पहुंचाएं। पेटीएम द्वारा जनहित में जारी।